भारत बनाम साउथ अफ्रीका आज शुरू होने वाला है चौथे T20 मैच यानी फाइनल T20। चार मैचों की सीरीज थी जिसमें भारतीय टीम इस समय 2-1 से आगे चल रही है। 2-1 से यानी दो मैच भारत ने जीते हैं और एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है। पहला T20 मैच भारत ने जीता था जिसमें संजू सैमसन का शतक आया था। दूसरा T20 मैच था वो साउथ अफ्रीका ने जीता, काफी लो स्कोरिंग मैच था, भारत ने 126 रन बनाए थे और अच्छी गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर तक ले गए, लेकिन आखिरी ओवर तक साउथ अफ्रीका ने मैच निकाल लिया और 3 विकेटों से मैच जीत लिया था। और तीसरा T20 मैच भारत ने काफी अच्छे रनों से जीता है, 17-16 रनों से भारत ने तीसरा मैच जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली है और आज है फाइनल T20 आई। अगर भारत मैच जीतता है तो वो जाएगा ट्रॉफी लेकर अपने घर, यानी ट्रॉफी जीत जाएगा और T20 सीरीज भी जीत जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में। और लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो ये सीरीज हो जाएगी बराबरी पर, यानी 2-2 की बराबरी पर जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के नजरिए से, भारत के नजरिए से कि भारत को जीतना है, साउथ अफ्रीका के नजरिए से कि उसको अपनी नाक बचानी है और इस T20 सीरीज को बराबर रखना है जिससे दोनों टीमें शेयर कर सके। तो अब बात करते हैं चौथे T20 मैच के बारे में। ये खेला जाने वाला है वैंडरर्स स्टेडियम जो कि साउथ अफ्रीका में है, और इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट बताती है कि इस स्टेडियम में एवरेज स्कोर 190 तक होता है, यानी धमाल गेंद का शायद शेप बिगड़ने वाला है क्योंकि ये काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। हाई स्कोरिंग क्यों होगा? क्योंकि जिस पिच पर 190 एवरेज स्कोर है वहां पे आराम से 200-220 रन बन सकते हैं। तो आज दोनों टीमों के टॉप और मिडिल ऑर्डर से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी दोनों टीमों को कि वो धूम धड़ाका बल्लेबाजी करेंगे। अभी तक टोटल 4 T20 मैच है जिसमें भारतीय टीम लीडिंग कर रही है और पिच रिपोर्ट हमने आपको बता दी। पेसर्स के लिए काफी मददगार रहेगी, लेकिन पेसर्स ज्यादा मार खाएंगे स्पिनर्स के मुकाबले इस पिच पर, क्योंकि जिस पिच पर ज्यादा पेसर्स मदद मिलती है शुरुआत में पेसर्स मदद मिलेगी लेकिन आखिरी में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। तो स्पिनर्स कारगर होने वाले हैं इस मैच में। अब बात करते हैं कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है। उसके पहले आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी खराब रिकॉर्ड था अपने सूर्यकुमार यादव भैया का जो भारतीय टीम के कप्तान है। 3 मैच हुए हैं, तीनों में टॉस हार गए हैं लेकिन चौथे मैच में टॉस जीत चुके हैं और उन्होंने कहा है कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। तो प्लेइंग 11 भारतीय टीम की होने वाली है। संजू सैमसन विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा ये दोनों लोग ओपनिंग करने वाले हैं, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे आएंगे और कप्तान सूर्य कुमार यादव आएंगे चौथे नंबर पर। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन और मीडियम फास्ट बॉलर हैं, राइट हैंडेड आएंगे वो 5वें नंबर पे। फिर रिंकू सिंह और डेब्यूटेंट रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह को डेब्यूटेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वो इसी सीरीज में अपना डेब्यू करे हैं। अक्षर पटेल, अर्षदीप सिंह और रवि बिश्नोई प्लस वरुण चक्रवर्ती, ये भारतीय टीम की 11 मेंबर्स हैं जो कि आज के मैच में खेलेंगे। लगभग सेम है क्योंकि ये सब प्लेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ मैचों में। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की 11 टीम मेंबर्स की। ओपनर्स होंगे रियान रिकलेटन और रीजा हेंड्रिक्स। उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे लेकिन उम्मीद करेंगे कि अच्छी फॉर्म में आ जाए इस मैच में। कप्तान एडन मरकराम है, बहुत खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग से रन नहीं ले आ रहे हैं तो ये भी उम्मीद करेंगे रन आए। फिर ट्रिस्टन स्टब्स और विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन, ये काफी अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। फिर ब्लास्टर और पावर हिटर डेविड मिलर आएंगे। उसके बाद मार्को जॉनसन, जिराड क्वेटजे, एंडले सिविलाने, केशव महाराज और लूटो सिपैनिया, ये आपकी 11 मेंबर्स की टीम है साउथ अफ्रीका की। तो जिस हिसाब से 11 मेंबर्स की टीम ऐसे लगता है कि भारतीय टीम का पड़ला भारी है और विन प्रोबेबिलिटी मैं इंडिया को यहाँ पे विनर घोषित कर रहा हूँ, लेकिन ये मुकाबला 50-50 का भी हो सकता है क्योंकि दोनों टीमों के पास काफी धुआंधार बैटिंग लाइनअप है। भारत के पास 360 सूर्य कुमार यादव हैं और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, मैंने आपको 11 मेंबर्स के नाम बताए, और साउथ अफ्रीका के पास भी हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स जैसे प्लेयर्स हैं। तो काफी मजा आने वाला है इस मैच में, थोड़ी देर में मैच शुरू भी होने वाला है। तो चलिए जाइए मैच देखिए और इस मैच का मजा उठाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, फेवरेट मोमेंट्स क्या थे। मैं आपका वेट करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए बने रहें चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन नीचे बना होगा उसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन बना होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए
बेल आइकन जरूर दबाइएगा।